देखिए जनाब, असेंबली इलेक्शंस का तो अभी ब्यूगल बजा ही नहीं है, तो असेंबली इलेक्शन पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। रियल थोड़ा जहाँ तक साइड कांग्रेस के साथ अलायंस की बात नहीं, ये सही है कि कांग्रेस के तरफ से एक प्रपोजल हमें मिला था, लेकिन हमने तो कांग्रेस को सीधा सीधा ये कहा हुआ है कि वादी की 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार होगा। अगर के ये उनको सूट करता है तो हम बाकी सीटों के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन वादी की 3 सीटों पे जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार उतरेगा। अब तो देखते हैं वहां से क्या जवाब मिलता है। उमर साहब, असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार हो सर? हम तो तैयार है ना, हम तो इससे पहले ही तैयार थे। हमने जब इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की श्रीनगर और जम्मू में, हमने मतलब इसमें कोई मतलब हिचकिचाहट के बिना हमने उनसे ये कहा कि एक साइमल्टेनियस पोल होना चाहिए असेंबली का और पार्लियामेंट का, लेकिन एक साजिश के तहत यहाँ के लोगों को एक अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट से जो है दूर रखा जा रहा है। इसमें बदकिस्मती से कुछ अफसरों का भी हाथ है और कुछ सियासी पार्टियों का भी। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.